इलायची को सूझी मस्ती, पंचम की हालत हुई खस्ती। देखिए जरा सर्दी के मौसम में इलायची जी कहाँ आई है। तीखे तीखे गोलगप्पे खाकर इलायची मौसम का मजा उठाना चाहती हैं। भाई यहाँ तो पंचम भी नजर आ रहे हैं, जो इलायची के साथ गर्मा गर्म टिक्की का लुत्फ उठा रहे हैं। पंचम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ आने के लिए उन्होंने सेठ जी से झूठ बोला है, और वो झूठ क्या है इसका खुलासा भी पंचम ने इलायची के सामने कर दिया है। वो दरअसल हम सेठ जी को झूठ बोलते रहे हैं, अगर उन्होंने हमें चार्ज उड़ाते हुए देख लिया तो हमें गर्मी से बाहर उड़ा दिया। वाह, टाइम चेंज हो गया है, लेकिन एक चीज अब तक नहीं बदली है। इलायची आज भी पंचम जी का मुंह अपने हटके अंदाज से बंद करवा ही देती है। दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, गोल गप्पा डेट दोनों ही बखूबी एंजॉय कर रहे हैं। वैसे चलिए पंचम जी से ही जान लेते हैं कि आखिर वो सेठ जी से झूठ बोलकर यहाँ आए क्यों हैं। बताइए पंचम जी। हम इलायची जी से रोमांस सीख रहे हैं और गार्डन में सीखने जा रहे हैं, वहाँ पे अंकल आंटी पता नहीं कहाँ से आए हैं, सेठ जी और आंटी जी चाट खाने आए, वो भी वहाँ पर आ गए, तो हम उनसे रोमांस इसलिए सीख रहे हैं ताकि हम वो गाने में ला पाए, क्योंकि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है। टीपी सीरीज़ करके एक कंपनी है जो हमारे साथ हमसे गाना गवाना चाहती है, पंचम से, तो बेसिकली हम वो रोमांस सीख रहे हैं इलायची से ताकि हम उसको अपने गाने के थ्रू व्यक्त कर सकें। अब जरा पीछे गौर फरमाइए, देखिए यहाँ कौन आ गया है, जिसे देखते ही इलायची ने अपना रास्ता बदल लिया है। सेठ जी और उनकी वाइफ यानी कि इलायची के मम्मी पापा। इलायची तो भागने में कामयाब हो गई है, लेकिन हमेशा की तरह पंचम पर मुसीबत आ पड़ी है। पंचम को यहाँ देख सेठ जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया है, और उसका शिकार भोले भाले पंचम को होना पड़ रहा है। मुझे ना पता था कि ये चाट वाला जो है वो डॉक्टर ही पढ़ा लिखा है। मैं तो उसके सामने मुंह खोल के जो भरा था वो बताते वो अब देखिए तो बेचारे पंचम सेठ जी से बचने के लिए क्या क्या गोलमोल बातें कर रहे हैं। एक झूठ को छिपाने के लिए उन्हें खुद नहीं पता चल रहा कि वो क्या बोले जा रहे हैं। वो डॉक्टर जी ने ऐसे ही कहा, उन्होंने कहा कि तीखी चाट खाएं, तीखी चाट खाने से क्या होगा, आपको पसीना आएगा, पसीना आएगा तो हमें शरीर में जलने आएगी, जलने आएगी तो सब्जी निकल जाएगी। पंचम की बातें सुनकर सेठ जी भी थोड़ी देर शांत हो जाते हैं, लेकिन करुणा जी जो बताती हैं उसे सुनकर पंचम वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। वो जिनके पेट में गैस जो रखी थी उनको टहलाने लायक था कि गैस निकल जाए। इलायची के बाद पंचम भी भागने में कामयाब हो गए हैं। इस गोलगप्पा डेट के लिए पंचम ने थोड़ी कीमत भी चुकाई है, लेकिन पंचम और इलायची की मस्ती काफी रंग लाई है। अब देखना ये होगा कि क्या पंचम इलायची से रोमांस सीख पाएंगे, और क्या वो अपने म्यूजिक एल्बम में अपनी आवाज के जरिए इस प्यार को एक्सप्रेस कर पाएंगे। मुंबई से अपर्णा द्विवेदी की रिपोर्ट, E24।